तांत्रिक विद्या के नाम पर जो है 42 लाख रुपए की ठगी का मामला जो है आज जो है कोर्ट में सामने आया है। तो यहाँ पर रोहित रोजर के नाम से जो है FIR जो यहाँ पर की गई थी उस पर जो है पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करते हुए आज उसको माननीय न्यायालय में जो है बिलासपुर में पेश किया गया। और ये क्या मैटर था, क्या इसका कैसे मतलब कि ये व्यक्ति जो है गिरफ्तारी के अंदर आया, तो पूरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो जो कंप्लेंटेड है, जिन्होंने कंप्लेंट की है, उन्होंने जो है उनकी जो कंप्लेंट की थी उनसे हम पूरी बातचीत करेंगे कैसे ये मामला हुआ और कैसे उनसे जो है 42 लाख रुपये की ठगी आई है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, ये एक धर्म सिंह है पृथ्वी पर के, जिनके साथ फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था 42,60,000 का। जी सर। कि एक रोहित है, रोहित रोजर छछरौली का रहने वाला है। जी सर। इसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इनके घर में तांत्रिक विद्या करने के नाम पर इसको नकली सोने व हीरे जवाहरात असली बताकर दे दिए थे, जिनके नाम पे इसने 42,60,000 का फ्रॉड किया था। कल इसको राउंड अप करके अरेस्ट किया गया है। आज इसको माननीय कोर्ट में पेश करके 2-3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है इसका, जिससे बाकी को एक्यूज्ड की अरेस्ट अभी पेंडिंग है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। धर्म सिंह कहाँ से है जी? पृथ्वीपुर से जी। ये व्यक्ति रोजर नाम का व्यक्ति है, कहाँ से है, आपके इसके साथ संबंध कैसे बने, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। घर में कुछ परेशानियाँ चल रही थी, इसी के कारण इसके साथ संपर्क हुआ। हाँ जी। और ये हमारे घर में आया, इसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो मर से मिलती जुलती थी, इससे हमने विश्वास हो गया जी। और ये बाद में करने लगे, अभी आपके घर में कुछ धन संपत्ति वगैरह दबी हुई है। हाँ जी। उस पर ही सांप वगैरह कुछ निकले घर में, अभी इसी पर रहते हैं। तो ये लगे कहें भी उसमें तो यदन संपत्ति नहीं, इतना घर में तो लिखा गया, इतना आप लोगों का इलाज नहीं होगा, घर में ये बीमारी वगैरह ऐसी ही रहेगी। कितने लाख रुपए की ठगी का यहाँ पर आपको कितना खर्चा आया आपके, जो इन्होंने आपसे जो ठगी की है, जैसा जो भी कुछ है, इन्हें हमारे से 42,60,000 रुपये लूटे हैं जी। पहले 80-85,000 से ये शुरू हुआ और लास्ट तक 2-3 महीने तक यही काम चलता रहा जी। बीच में ये पुखराज का और नीलम वगैरह का ऐसे का नाम लेता था और उसमें से कहते थे 10% जो है आपका वापस आ जाएगा। इस तरीके से इसने 42,60,000 रुपये लूटा है। तो आपको जैसे पैसे, ये आपसे पैसे लेते थे तो कुछ काम भी करते होंगे बदले में, कैसे आपसे मतलब कि पैसे लेने में ये कामयाब हो गया, कुछ बताइए। काम तो ये ऐसे करता था, चौंकी लगाता था, चौंकी वगैरह लगा का यो नीचे से कुछ बर्तन ले आता था कलियर शरीफ से या हरिद्वार से, गणेश जेवर वगैरह नीचे दाबता था, 5-4 फुट का खड्डा करता था, उसमें हमको बाहर भेज देता था, घर वालों को घर में बंद कर देते थे, औरतें ने सामने आए यही उसमें सामान दाब को उसी को निकाल देता था, पित्तल का और ऐसा बर्तन ही उसमें निकले हैं। कैसे आपको जो है डाउट हुआ इसके ऊपर, जो है मतलब कि शक हुआ कि भी हमारे साथ गलत हुआ है, कैसे आपने फिर ये FIR दर्ज कराई, कुछ इस बारे में डिटेल से बताई दर्शकों को हमारे। जब ये 2 महीने के बाद किसी ज्वेलर के पास लेकर गए हमने, इसने ज्वेलर को बर्तन दिखाए, उस ज्वेलर ने बताया अभी ये 18 कैरेट का जो है, 24 कैरेट का सोना होता है, 18 कैरेट का है, उसको बेचने के लिए यो हमारे को लेकर गया, उसने हमारे को पेमेंट नहीं दी, अरे वो लगा कहन भी वो बाद में ही मिलेगा। तो इस तरीके से जब वो पेमेंट नहीं है तो वही तो हमने इसके पास शक होने लगा है, शक होने में फिर बाद में पंचायत वगैरह भी हुई है जी, उसी से पता लगा अभी वो नकली है बर्तन है। अब शासन प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? न्यायालय जी से हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले और आरोपी को कड़ी सजा मिले, हमारा जो लूटा गया पैसा वो वापस मिले। तो दर्शकों आपने जो अभी जो है बयान सुने, तो मैं आम दर्शकों से जो है आम जनता से जो अपील करना चाहता हूं कि इन बाबाओं से और इस प्रकार की तांत्रिक विद्याओं के चक्कर में ना फंसें और अपने परिवार को इनसे सुरक्षित रखें। और यदि आपको किस प्रकार की जो है इस प्रकार की कोई घटना कोई आपको जो है अगर आपको सुनाई देती है, आपके संज्ञान में आती है, तो उसकी सूचना जो है नज़दीकी पुलिस थाना में अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर यदि नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा यमुनानगर बिलासपुर।